पे लग रहा है। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांस श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथ नितम तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण। इतने लाइट में करो, लाइटिंग करो। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्थ चरित्रा नहीं होगा अनंत पालिने जीव दुखे सदात्राय श्री नाम प्रेमदायिने। नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण समन्थ विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्वल प्रमाढ श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्री रूपानुग विरुधाव सिद्धांत ज्यादा टाइट हारिणे। नमो गौरकेश्वराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भर साम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः। नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूप। इसको इको बंद कर दो। अनुग्रायते गौरवाविर्भाव मिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयतां सुरतौरुपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भुजो श्रीराधा मदनमोहनो दिव्यत वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमत् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री लघुगोविंद देवौ पृष्ठालिभिः सेवं मान स्मरामि श्रीमान रासारम्भे वंशीवटतटस्थित कर्षण वेणुसुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रिय देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। उधर का लाइट बंद कर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दवन लसम संसार दहनी दग्ध जीव कुला उधर कारणी
करुणा बारी दो कृपा बारी दाने बंद से गुरु चरणा का माला मृत गीता वाच श्रीहरि कीर्तनी राय नामगना महामाता मनी रोमांच कंपासु हाय गौर जब का दिशे गुरु चरणा कमल सदारत जिनी विग्रह सेवने श्रृंगारा दियार मंदिर मार्जने करीननी जुक्त अनुगत जनी वंदिसे गुरु चरण कमल चर्बचो सले प्यारा समय प्रसादान्ना कृष्ण अति स्वादो भये भक्तास्वादने निज त्रिकर वंदिसे गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुणे अनंत माधुर्य लीला स्वादने लुब्ध चिताजिनी अन प्रतिक्षणे वंदिसे गुरु चरण कमल रज युवाद्वंद रति संवर्धने युक्ति कर सखी सनि वृंदावने अति दक्षताए प्रियतम गणे वंदिसे गुरु चरण कमल सर्वशास्त्र गाए श्रीहरि स्वरूप भक्त गावे सैयानुरूप किंतु जय प्रभु प्रियतम रूप वंदिसे गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जरा प्रसाद अन्य गति नाही त्रिसंध्या कीर्तिर सब जानी भाई वंदिसे गुरु चरण कमल गुरुदेवाष्टक अति जत्न करी ब्राह्मी मूर्ति पड़े उतरे वृंदावन साक्षात श्रिय सेवा पाए से पशुदेविता वंदिसे गुरु चरण कमल वंदिसे गुरु चरण जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय कृष्ण हित चतुर्मुख हर कृष्ण सेवा मुख ब्रह्म हरते नारद रमते नारद हरते दास मधुकरे दास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति हरि माधव अथवा बोली अंगीकार है
तमिलतनी बजा तम सांगर तम सांगर से उठ बजे भाई अंधा श्री कृष्ण से एक दिन हम गाते वृंदावन वासी एक जन्म Thank you.
Bina da praa,
नाम बिना किछो नहीं का भुवन माजे जगते आसिए मधुर नाम अभिदते मेरा तपन रूपे सदने विराजे धरो हो बाबा जीव जागो जीव जागो गोरा बोल जीव जाग जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जाग जीव गोरा चंद बोले कतरी प्रजा माया पिताजी बोले कतरी प्रजा माया पिताजी बोले भगी बोले आए थे संसार बीताए आ भुलिया रहिले तोली अभी चार भोरे तुम्हारे लाइते आमे अनु अवतार आमी बिना बंधु बोला के आछे तुम्हार औसादी माया नाती बार लागे हरि नाम महामंत्र ला तुम्हें मागे विनोद प्रभु चरण पड़िया जय हरि नाम मंत्र लगे लमागिया जीव जाग जीव जाग गोरा चंद बोले कतनी त्रजा माया पिता चिर बोले
उसको दशरथ धाम बोलो, काशी वाला है। हाँ और तो तुम गए है बोला, तुम गए आओ। हाँ तुम आता है कृष्ण देव भवन तक गाओ, और कोई भजन का जो आता है बोलो। प्रभु तब पद जुगे, प्रभु तब कितना पृष्ठ है, प्रभुता 107 प्रभुता बपद जोगे मर निवेदन नहीं माग देहाधन जन नहीं माग देहा नहीं माग स्वर्ग मुख नहीं माग करी प्रार्थना को ना गे निज कर्म गुना गोसे जे जे जन्म पाई जन्म जन्म देना तब नाम गुना गाए कई मात्र काम तुम्हार जागे अभिषय जे प्रीति वे आशया मार संपदेता आको सम भावे दिन दिन प्रीति हो नाम प्रभावे दिन दिन प्रीति हो नाम प्रभावे पशुपाखी वे ताकि Hey.
कृष्णदेव भवन्तु कृष्णदेव भवन्तम् कृष्णदेव भवन्तम् वन्दे कृष्णदेव भवन्तम् वन्दे कृष्णदेव भवन्तम् वन्दे कृष्णदेव भवन्तम् वन्दे मनमानस मधुकरमर्पय निजपद पङ्कज मकरन्दे मनमानस मधुकरमर्पय निजपद पङ्कज मकरन्दे कृष्णदेव ृषभानुदा
नव सिले के ललित सखी गुण रमित विशा जय राधे जय जय माधव दैते जय राधे जय माधव दैते करुणा कुरुमयी करुणा परीते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणा कुरुमयी सनक सनातन वर्णित चरिते जय राधे जय जय माधव दये जय राधे जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोल कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे निताई गौर हरि ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय
राधिकायस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो पाणी नहीं है सो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद एमती नहीं है श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वप्रथम मृगुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पादष्टो दर्शते श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पादष्टो दर्शते श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे मैया कुंती ने जो कृष्ण को जो स्तुति की है, स्तुति करते करते बता रही थी, बोले कन्हैया तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है, मैं भी कभी कभी तुमको तुम्हारी लीला देख करके मैं भी स्वयं कभी कभी मुग्ध हो जाती हूँ। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जिस समय तुमने मक्खन चुराई और मैया ने तुम्हारी पीछे दौड़ते दौड़ते तुमसे ज़्यादा गति से दौड़ी। इसका मतलब है भगवान को तभी पकड़ सकते हैं भगवान के अंदर में आपका प्रति जितना भक्ति आपका भक्ति उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो कोई भगवान को पकड़ सकते हैं। इसलिए आपसे भी ज़्यादा तेज गति में, बोले भगवान से कोई ज़्यादा तेज गति थोड़ी भाग सकती है, नहीं, कौन भाग सकता है, बोले भक्त। भगवान जितने भगवान भक्त जितना भगवान को भक्ति करते हैं भगवान भी भक्तों को भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान भक्तों को जितना भक्ति करते हैं लेकिन भक्तों का जो भक्ति ज़्यादा है, भक्तों का भक्ति ज़्यादा है। कैसे है बोलो, कैसे ज़्यादा है? भगवान हमें जितने भक्ति करते हैं उनसे भक्ति से भक्तों का भक्ति भगवान के प्रति ज्यादा है, क्योंकि भगवान के तो अनेक भक्त हैं। हाँ हाँ, इनके लिए ताली बजाओ। ये बात ना, ये बात बड़ी गहरा बात है। इसलिए अगर भगवान बोले प्रभु मैं जैसे भक्ति करता हूँ आपको भी मेरे को ऐसे भक्ति करना पड़ेगा, भगवान बोले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अनंत भक्त हैं, हैं अनंत भक्त हैं, जो जैसे मुझे भक्ति करता है उसके अनुरूप उन्हें भक्ति करना पड़ेगा। जैसे भक्त केवल एक पॉइंट होकर के कृष्ण के सिवाय और किसी को भी भक्ति नहीं करता है, एकनिष्ठ होकर के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम
शरणम ब्रज, सारे धर्म छोड़ करके केवल एक पॉइंट कृष्ण को भक्ति करता है, मन मना भव। भक्त क्या करता है, कृष्ण के सिवाय मन और किसी को नहीं देता है। अगर भगवान को बोले आप भी मेरे को ऐसे भक्ति कर सकते हैं, भगवान बोले असंभव, क्योंकि मेरा अनंत भक्त है। हैं, अगर मैं सब कुछ तेरे को दे दूंगा तो और जितने भक्त कहाँ जाएंगे, सब कहाँ जाएंगे। इसलिए कहते भगवान भक्तों को जितना भक्ति करते हैं, जो भक्तों का जो भगवान की भक्ति ज्यादा है। इसलिए मैया जसोदा ने किया कि कन्हैया को पकड़ लिए और डंडे लेकर के हैं उनको शासन कर रहे थे, और उस समय कृष्ण थर 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 कांप रहे थे। मैया कहती हैं, मैंने सोचा तू क्या नाटक कर रहा है, सचमुच से डर कुमार कांप रहे हो, लेकिन मैंने देखा सचमुच से तू डरा हुआ है। मैया मेरे को मारना नहीं, मैया तू लठिया फेंक दे, मैया मेरे को डर लग रहा है। बोले थोड़ी तेरे को मारूंगी, तेरे को पूजूंगी अभी है, क्योंकि ये मेरे सांस का समय की मटकी कितना घी पी पी करके कितना मजबूत हो गया था, और तुमने उसको तोड़ दिया हो, आज तेरे को मैं बांध करके रखूंगी। इसलिए कुंती कहती है, बोले प्रभु आपकी लीला देख करके मैं स्वयं के कभी कभी मुग्ध हो जाती हूँ। इसलिए कल हम लोगों ने इस सब बात को हम लोगों ने सुना था, और मैया कुंती भगवान से क्या मांगा, मेरी झोली में विपत्ति दे दो, संपत्ति नहीं, मेरी झोली में विपत्ति दे दो। बोले क्यों, बोले दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को आए। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, आज हम लोग सुनेंगे ये पितामह भीष्म का स्तुति है। अभी पितामह भीष्म सर सज्जा में लेटे हुए हैं, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा क्या है, कहते पितामह भीष्म कौन है, कहते भगवान के जो द्वादश जो महाजन हैं, जिसको जम महाराज स्वयं कहते हैं, धर्म तत्व को केवल हम 12 व्यक्ति जानते हैं, हाँ 12 व्यक्ति, उसमें कौन, इसमें पितामह भीष्म भी एक है, हैं पितामह भीष्म भी एक है। इसलिए कोई कोई कहते हैं अगर पितामह भीष्म एक भक्त हो, फिर उन्होंने कृष्ण का विरोध में क्यों युद्ध किया है, हैं कृष्ण की विरोध में फिर युद्ध किया क्यों। इसलिए रसिक भक्त लोग कहते बोले इसलिए युद्ध किया, बोले अगर पांडवों को पक्ष में रहेंगे ना, बोले कृष्ण दर्शन नहीं होगा, अरे ये दुर्योधन का पक्ष में रहेंगे तो क्या होगा, हर समय कृष्ण का दर्शन मिलेगा, हैं दर्शन मिलेगा। इसलिए कृष्ण दर्शन के लोभ से उन्होंने दुर्योधन के तरफ में उन्होंने युद्ध किया है। अभी पितामह भीष्म की अंतिम इच्छा है, भगवान का नाम लेते लेते, भगवान के चरण को स्मरण करते करते, उनको ध्यान करते करते अंतिम इच्छा को मैं पूरी करूं। लेकिन भगवान भक्त वत्सल है, भगवान सारी भक्तों का इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी करते हैं। इसलिए कृष्ण ने पांडवों को लेकर के उन्होंने कहाँ पर गए, कहते नारद, वहाँ पर व्यास, सूक, महर्षि, देवर्षि, ये सब को लेकर के उन्होंने श्री पितामह भीष्म के पास में गए। जब गए इतने में एक एक करके पितामह भीष्म को प्रणाम कर रहे थे, कौन प्रणाम कर रहे थे, पहले श्री युधिष्ठिर महाराज जाकर के अपना नाम को लेकर के उन्होंने प्रणाम किया, फिर भीमसेन प्रणाम किया, अर्जुन, नकुल, सहदेव एक एक प्रणाम किया, लास्ट में कृष्ण जब जाकर के प्रणाम किया, पितामह भीष्म आंख बंद करके खड़े हुए थे। जब कृष्ण प्रणाम किया, अपना परिचय किया दिया, अर्जुन का सारथी आपको प्रणाम कर रहा है, बस इतना बोलते ही जब देखा अर्जुन का सारथी, वो किस लिए सोच रहे थे, उत्तरायण आने पर मैं अपना अंतिम विश्वास त्याग करूं कृष्ण को दर्शन करते करते, इसलिए जब सुना अर्जुन का सारथी, बस पट उन्होंने आँख खोल दी। जब आँख खोले सामने उन्होंने कृष्ण को खड़े हुए दर्शन किया, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, जब दर्शन किया इतने में कहते श्री युधिष्ठिर महाराज, जिस समय ये महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी थे। बोले क्यों दुखी थे, बोले मेरी वजह से ये महाभारत युद्ध हो गया, और कितने स्त्रियां विधवा हो गई, कितने स्त्री विधवा हो गई, और कितने बच्चे पिताहीन हो गए, हैं कितने पिता माता अपना बच्चा हीन हो गई, और वहां पर
अब लोग यहाँ कुरुक्षेत्र गए होंगे, अभी भी वहां का मिट्टी देखोगे ना लाल लाल, अभी भी इतने 7 अकोणी और 11 अकोणी 18 अकोणी, बोले कितने लाख लोग वहां पर मरे हैं। बोले जिस समय खून बह रही थी, खून की जैसे नदी वहां बह रही थी, इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज इतने दुखी, स्वाभाविक रूप में धर्म का स्वरूप है, इतने दुखी, बोले मेरी वजह से ये सब युद्ध हुआ है, हाँ इतने पाप लगेगा मेरे को, बहुत दुखी हो रहे थे। कृष्ण समझा रहे थे, बोले देखो अर्जुन को उन्होंने दर्शन कराया था ना, बोले तू युद्ध क्या करोगे हैं, तेरे युद्ध से पहले मैं इनको मार करके रखा है, इसलिए निमित्त मात्र भव सभ्य साची। अर्जुन तू केवल निमित्त मात्र हो, लेकिन मैंने तो सब कुछ करके रखा है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कृष्ण बहुत समझाए, कहते ना घर के जोगी जोगना आन गांव के सिद्ध है, बोले कृष्ण तो हमारे साथ में रहते हैं, है ये क्या हमें समझाएंगे। लेकिन कृष्ण समझाने पर उन्होंने नहीं समझे, उन्होंने सोचा श्री पितामह भीष्म को द्वारा उन्होंने समझाने के लिए कोशिश करेंगे, इसलिए उनको लेकर गए। और पितामह भीष्म के पास में जब गए तब उन्होंने बताया थोड़ी सी इनको समझाओ, तब उन्होंने पितामह भीष्म उनको समझाए, बोले देखो जिनको तुम साधारण व्यक्ति समझ रहे हो ये कौन है, बोले गुढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। कहते गुढ़ परम ब्रह्म अभी तुम्हारी घर घर में ये साधारण एक है, साधारण रूप में तुम्हारी घर में रह रहे हैं, कभी दूत का काम करते हैं, कभी सारथी का काम कर रहे हैं, कभी तुम्हारी भैया बन गए, कभी तुम्हारी साला साहेब बन गए, लेकिन ये साधारण नहीं। अब सबर देखो, सबर देखो, क्या देखते हो, जो कृष्ण तुम्हारी घर में बैठी करके तुम्हारे साथ में हंसी दिल्लगी कर रहे हैं, सबर देखो घर को सामने लाइन लगी हुई, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोगों का लाइन लगी हुई, बोले क्यों, थोड़ी सी कृष्ण का दर्शन हो जाए, बड़े बड़े ऋषि लोग, लेकिन आज वो कृष्ण कहाँ पर, तुम्हारे घर में बैठे हैं, इसलिए इनको साधारण मत समझा करो, ये स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म है। उन्होंने बहुत उनको समझाए, पर पितामह भीष्म जी वहां पर एक श्लोक दान दान धर्म, इस एक श्लोक के बाद में हाँ, इसलिए उन्होंने सारे धर्म उन्होंने उनको जब समझा, दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म बहुत कुछ उन्होंने उनका समझाया, लेकिन समझाते समझाते उन्होंने एक बात बोले, बोले देखो युधिष्ठिर समर्थ रहते कभी अन्याय को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जब उन्होंने इतना बात बोली ना, वहां पर द्रौपदी भी खड़ी थी, इतने में द्रौपदी ने अपना मुंह में कपड़े रख कर हंस पड़ी, इतने में पितामह भीष्म कहते बोले बेटी तुमने हंसी क्यों, बोले नहीं कोई बात नहीं, बोले नहीं जो सत्ती साधी स्त्री होती है ना बिना कारण के कभी वो हंसती नहीं है, उनका हंसने में भी कुछ कारण है, बताओ तुमने क्यों हंसी। बोले पितामह आप अभी अभी बता रहे हो समर्थ रहते कभी अन्याय को सहन नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस समय मेरी वस्त्र हरण हो रही थी आप भी तो वहां पर वही पर थे, अगर एक एक अगर मुंह से एक बोली आपका निकल जाता ना बंद करो, वहां पर किसी का हिम्मत नहीं था जो कि मेरी वस्त्र हरण कर सकता, किसका हिम्मत था, क्योंकि आप सबसे कुलवृद्ध थे पितामह थे, लेकिन वहां पर आप भी बैठी बैठी करके मेरी वस्त्र हरण आप भी देखते रह गए, ऐसे क्यों। तो पितामह भीष्म कहते बोले बेटी विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन है ले मन ना है कृष्ण रे स्मरण। ये चैतन्य महाप्रभु ये रघुनाथ दास गोस्वामी को कह रहे हैं, बोले क्या कह रहे हैं, बोले जब उनको पिताजी कुछ पैसा भेज रहे थे, जब उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भजन करने के लिए आए, वो एक बेटे थे और जिनकी वार्षिक आय कितने लाख रुपया, जिनकी स्वर्ण मुद्रा, जिनकी हैं करोड़ करोड़ रुपया, जिनकी वार्षिक आय बोले इंद्र के बराबर, जिनके घर में ऐश्वर्य है, पत्नी कैसे बोले अप्सरी जैसे घर में पत्नी, इतने सुंदरी। जब एक बेटा चला गया तब तो उनको पिताजी ने क्या किया, कुछ पैसा भेज दिए, कुछ नौकर को भेज दिए मेरे बच्चों को थोड़ी खिलाना पिलाना रसोई बना करके, लेकिन जो कुछ दिन महाप्रभु को निमंत्रण दिए, लेकिन देखा महाप्रभु प्रसन्न नहीं, खुश नहीं है, क्यों, बोले विषय अन्न खाइले मलिन है मन, हर मलिन है मन ना है कृष्ण स्मरण, इसलिए
विषयी व्यक्तियों का अन्न खाने से, बोले तुम्हारी जो पिता है ना वो देखने में तो ऊपर से साधु है लेकिन ये वैष्णव प्राय है, ये वैष्णव प्राय मतलब देखने के लिए तो लगता है वैष्णव लेकिन वैष्णव नहीं। और ऐसे जो विषयी व्यक्ति का अगर तुम अन्न खाओगे फिर क्या होगा, तुम्हारा मन जो मन है ये तुम्हारी मलिन हो जाएगा, तुम्हारी भजन नहीं होगा है। इसलिए यहाँ पर बताई जो दुर्योधन था ये दुष्ट था, दुर्योधन दुष्ट था, उसको पास में पितामह भीष्म रहते थे, बोले इसका अन्न खा खा करके ना मेरा मन जो मलिन हो गया, इसलिए मैंने वहां बैठते हुए भी मैंने सच बात नहीं बोल पाया। लेकिन जब अर्जुन ने बाण मार मार करके उसके अन्न से जो बना हुआ जो खून है वो सब के सब निकल गया, दुष्ट व्यक्ति का हाँ खाया अन्न का खून निकल गया, इसलिए मेरा मन अभी शुद्ध हो गया, इसलिए मैं आज इतने अच्छी अच्छी ज्ञान की बात में बता रहा हूँ। इसलिए नियम है विषय व्यक्ति का जो अन्न है हम लोग को ग्रहण नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग तो सारे विषय व्यक्ति का अन्न जो भिक्षा में जो अन्न आता है वो तो सब विषय व्यक्ति का अन्न है, इसलिए नियम है ये सब वस्तुओं को ठाकुर जी को भोग लगा करके ही ग्रहण करनी चाहिए, ठाकुर जी को भोग अर्पण करके प्रसाद रूप में ग्रहण करनी चाहिए। और दूसरी बात है हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसलिए गुरुदेव कहते थे देखो हम लोग परान्न खा रहे हैं दूसरे को अन्न खा रहे हैं इसलिए उतना भजन करनी चाहिए तुम्हें, गुरुदेव कहते थे इतना भजन करो जैसे आपकी कमाई 100 रुपया अगर 200 रुपया खर्चा कर दिया कितना रहेगा बताओ, रहेगा कुछ रहेगा कर्जा होगा, इसलिए गुरुदेव कहते थे उतना भजन करो उतना हरिनाम करो हैं उतना हरिनाम करो, जिसका अन्न तुम खा रहे हो ऐसे कोई अन्न नहीं देता है, जो मंदिर में जो भिक्षा देता है ऐसे कोई देता है, कितने कामना वासना, इसलिए ठाकुर जी इसलिए आपको ये 10 रुपया देता हूँ, हमारे घर के बेटा का नौकरी नहीं लग रहा है, बेटी की अभी शादी नहीं हो रही है, हमारा संसार में ये दुख कष्ट है, वो बीमारी में पड़ा हुआ है, घर का ये मामला मकदमा है, फिर 10 रुपया घुमा घुमा करके वो देता है, तभी वो देता है, मतलब 10 रुपया नहीं वो जितने सारे उसकी पाप को उन्होंने दिया है जितने पाप को, इसलिए गुरुदेव कहते थे ये पैसा को कोई भोग नहीं करना चाहिए, अपना सेवा में नहीं लगानी चाहिए, कोई प्रणाम दिया अपना पकेट में रख दिया, गुरुदेव बोलते नहीं ये जहर है, इसको गुरुदेव कहते थे इसको हजम नहीं कर सकते हो, अगर इसको स्वयं अपना भोग में लगाने के लिए चाहोगे वो जो व्यक्ति तुमने पैसा दिया है वो सारे कामना वासना तुम्हारे हृदय में उफनना शुरू कर देगा, मन चंचल होना शुरू कर देगा, मन भटकना शुरू हो जाएगा, क्यों वो विषय का अन्न है, इसलिए मंदिर में जो अन्न है भैया ये चीज को सावधान से भोग करनी चाहिए, क्योंकि सब कामना वासना देकर करते हैं, इसलिए गुरुदेव कहते थे उतना भजन करो वो व्यक्ति जो दिया है जैसे उसका भी ऋणी चुक जाए, अगर उसने 100 रुपया दिया अगर 200 तुम कमाओगे फिर 100 तुम्हारे पास में बचेगा, 100 बचेगा, अगर तुमने कमाया 100 रुपया और 200 रुपया खर्चा कर दिया तुम्हारे पास में बचेगा नहीं कुछ, गुरुदेव कहते तो बचेगा नहीं कुछ, इसलिए जो भिक्षा अन्न है मंदिर में विशेष करके जो अन्न है इनको सावधान में रहनी चाहिए, हाँ शुद्ध रूप में भजन करनी चाहिए, पैसा को जो गुरु वैष्णव की सेवा के लिए जो पैसा आता है ये पैसा को सावधान में खर्चा करनी चाहिए। देखो ये नंदगांव की कथा है, कुछ दिन पहले पेपर में आया था है, बोले एक समय क्या हुआ नंदगांव में एक कोई साधु रहता था, वो साधु कुछ दिन के लिए बाहर गया, जब बाहर गया जब उसने आया रोज एक कुत्ता आता था, वो साधु कुत्ते को रोटी देता था है रोटी देता था, अब वो साधु चला गया अभी वो कुत्ते को रोटी देने वाले कोई नहीं, कुत्ता बेचारा भूखा, जब उसने कुछ दिन बाद में आया दरवाजा बंद करके घर में भजन कर रहा था, एक व्यक्ति ने कहा भूखा हूँ मेरे को खाना दे दो मेरे को रोटी दे दो, तो उन्होंने दरवाजा खोला देखा वहाँ कोई है नहीं, बोले भैया किसका आवाज अभी आ रहा था, उन्होंने सोचा था भ्रम है, फिर जाकर भजन करना शुरू कर दिया, जब भजन करना शुरू फिर आवाज आई मैं भूखा हूँ रोटी दे दो भूखा हूँ रोटी दे दो, उन्होंने फिर दरवाजा खोला देखा कोई है नहीं, बोले क्या मैं भ्रम हूँ क्या मेरे आवाज कहाँ से आ रही,
फिर उन्होंने फिर जब भजन कर फिर यही आवाज जो खोल कर देखा घर में सामने जो कुत्ता बोल रहा था ये बात को कुत्ता बोल रहा था। तो उन्होंने कहा भैया तू इंसान जैसे आवाज से बात कर रहे हो, क्या बात है तुम ये कुत्ते बने क्यों इंसान जैसे बात करते हो। कहते पहले जीवन में मैं भी एक साधु था, लेकिन जो भगवत संपत्ति आता था वहां पर भिक्षा के लिए उसको मैंने ये ठाकुर के सेवा में नहीं लगा अपना सेवा में लगाया, अपना भोग में लगाया, और वो सारी कामना वासना से देते थे, इसलिए इसी जीवन में मेरे कुत्ता बनना पड़ा। और कुछ दिन पहले हम भी और कोई कथा सुना रहे थे कि तो वहां पर कोई बैल थे हैं, कोई एक बैल था, किसने ऋणी लिया था, जो हमने ऋणी लिया था वहां पर बैल था, और एक व्यक्ति जानवर का भाषा समझता था, वहां जाकर के सुना तीन चार बैल वहां पर लेट हुए, एक बैल दूसरे बैल से बात कर रहा है, बोले भैया तू बैल क्यों बने हो, बोले अगली जीवन में इससे मैंने ऋणी लिया था इसलिए वो ऋणी को चुकाने के लिए उसके घर में मेरे को बैल बनना पड़ा है, हैं? इसलिए किसकी ऋणी नहीं लेनी चाहिए, ऋणी से मुक्त होनी चाहिए, और जो भगवत विशेष जो संपत्ति, इसलिए कहते साधु सावधान, साधु किसको सावधान कर रहे, साधु को सावधान कर रहे, इसलिए भैया डट करके हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में अलसता नहीं करनी चाहिए है, इसलिए हाँ कहते ना भजन के आलिस और भोजन के आलसी, भोजन में होशियार, हाँ भजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिकार, इसलिए हमको अच्छे तरह से सावधान होकर के भगवत संपत्ति इधर उधर कभी भी नहीं करनी चाहिए। भगवत संपत्ति जो कृष्ण सेवा के लिए देते हैं उसको सचमुच से प्रॉपर रूप में वो पैसा ठाकुर जी की सेवा में, गुरु वैष्णव की सेवा में वो पैसा हमारी लगनी चाहिए, तभी वो पैसा की सार्थकता है। इसलिए यहाँ पर पितामह भीष्म स्वयं कह रही है बात को, हैं? स्वयं कहते दुष्ट का अन्न खा खा करके मेरा मन मलिन हो गया था। देखो और एक छोटी कहानी सुनो, बोले एक समय क्या हुआ है, कोई एक साधु था, वो साधु आया कहीं किसी मंदिर में, जब आकर के रुके तो बोले भैया ठंडी का समय में ओढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, हैं ओढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तब एक व्यक्ति ने बोले भैया ये कंबल लो, रात को उसको ओढ़ना, सवेरे दे करके चले जाना, बोले बड़ी आपकी कृपा है, लेकिन कंबल बढ़िया था रात वो कंबल था भैया, रात को सोया तो बड़ी अच्छी तरह से नींद आई, जब नींद आई इतने में जब उसने सवेरे उठा बोले भैया कंबल को लेकर भाग क्यों नहीं जाते, उसने क्या किया वो कंबल को लेकर भाग गया, लेकिन जब भाग गया थोड़ी दूर गया जब उसने सवेरे सवेरे शौचो क्रिया किया ना उसका बुद्धि फिर बदल गई। बोले क्यों बदल गई, चूंकि उसने रात को जिनसे उन्होंने भोजन किया था वो किसी दुष्ट व्यक्ति का भोजन दिया हुआ वस्तु था, किसी चोर का वस्तु था जिसने भोजन खिलाया था, इसलिए कहते उसका उन्होंने अन्न खाया तो उसको मन में भी ये चोर की भावना आ गई है, इसलिए लेकिन जब थोड़ी दूर गया जब उसने शौच क्रिया जब मल निकल गया उसका बुद्धि फिर सही हो गया, जब फिर सही हो गया उसने कहा अरे मेरे को मैं क्या साधु और मेरे को विश्वास पूर्वक कंबल दिया ओढ़ने के लिए और उसका कंबल लेकर भाग गया, भैया मैं कैसे साधु हूँ, और सवेरे जब उन लोगों ने उठे बोले भैया साधु बाबा कहाँ गया, मैंने नया कंबल दिया ओढ़ करके सोने के लिए लेकर भाग कैसे गया, उस गया साधु कहाँ गया, देखो देखो और ढूंढने लग गए, लेकिन इतने में देखा वो साधु वापस आ रहे, उनको तो इच्छा हुआ था पिटाई करे साधु को, ये साधु ने ढोंग ये, लेकिन जब देखा ये दूर से आ रहा है बोले भैया जरूर उसमें कुछ बात है, जब साधु आया बोले भैया ये कंबल आप ले लो आपने मेरे को ओढ़ने के लिए दिया था, लेकिन भाई मैं अमुक व्यक्ति का मैंने रात का रोटी खाई वो व्यक्ति कैसे, बोले तो चोर है, बोलो इसलिए हमने उनकी रोटी खाई तो मेरे मन में भी चोर की भावना आ गई, इसलिए यहाँ पर श्री हैं हैं हाँ वो भी बहुत कथा है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं विषय का अन्न नहीं खानी चाहिए, खाओ तो उतना भजन करो जैसे उसका ऋणी से हम उऋणी हो जाए, हमको केवल खाए और दो गुरु भाई थे, अब दो गुरु भाई गए
भ्रमण करते करते सेठ घर में पहुंचे। जब पहुंचे सेठ तो बढ़िया एकदम प्योर घी की हलवा और प्योर घी की पूरी और बढ़िया सब्जी बनाकर खिलाए रोज रोज बादाम की। एक गुरु भाई ने कहा भैया बढ़िया जगह पर आ गए, यहाँ पर कुछ दिन रुक करके खा पी कर थोड़ा शरीर को बना ले। लेकिन और एक जो गुरु भाई था बड़ा भजनानंदी बड़े होनहार व्यक्ति, उसने दूसरे दिन उठे बोले भैया चलो यहाँ से, बोले इतना बढ़िया रोज रोज खाना दे रहे क्यों भागे, कुछ दिन तो रुक जा। बोले क्या इसी घर में तो बैल बनना चाह रहे हो, इस घर में बैल बनना चाह रहे हो, इसलिए चलो यहाँ से निकलो यहाँ से। रमते जोगी बेत पानी, हमारा भजन करना चाहिए और यहाँ पर रोक रहे हो, इसलिए इसलिए यहाँ पर पितामह जो भीष्म है वो कहते हैं हमारे विषय का अन्न खाने का वजह से ब्राह्मण ऐसे मलिन हो गया था। यद्यपि वो हमारे लिए शिक्षा है, क्योंकि जो पितामह भीष्म ये मुक्त महापुरुष है, कोई साधारण नहीं, ये कृष्ण का परिकर है, ये भगवान की परिकर है, इनके अंदर में कभी भावना नहीं आ सकती। अभी भगवान सामने खड़े हुए हैं, जब सामने खड़े हुए अभी यहाँ पर पितामह भीष्म भगवान को स्तुति करते हैं, बोले इति मतिरुपकल्पित तृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभूमनि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तु प्रकृतिमुपैसो जत भाव प्रवाह। यहाँ पर कह रहे हैं बोले प्रभु आज मेरे अहो भाग्य है, आज साक्षात ठाकुर जी मेरे सामने खड़े हैं। किसका ऐसे सौभाग्य होता है जो कि अंतिम समय में जो शरीर त्याग देना चाहता है और ठाकुर जी उसको दर्शन मिले। मेरा आज अहो भाग्य है मेरे सामने ठाकुर जी खड़े हुए, मैं तो चाहता हूँ प्रभु आपका ये रूप दर्शन करते करते, आपका नाम को लेते लेते हैं और आपका चिंतन करते करते चरण की ये अंतिम श्वास को मैं त्याग दूँ। आप तो बड़े भाग्य से आप आए हो, इसलिए जब ठाकुर जी आए, ठाकुर को तो कुछ देनी चाहिए ठाकुर जी को, लेकिन मेरे पास में क्या दूं, बोले इति मति। कोई कोई संत उदाहरण देते हैं, बोले प्रभु मेरी एक बेटी है, अभी ये बेटी शादी के लायक हो गई, पिता का कर्तव्य क्या है, पहला काम क्या है, बेटी को शादी करा दे, ये पिता माता की पहला कर्तव्य। लेकिन बेटी अभी कुंवारी, लेकिन पिताजी की उम्र अभी हो गया है, उम्र अभी बेटी की शादी नहीं कर पाए, पिता चिंता करते हैं ना मेरे बाद में बेटी की क्या होगी, हैं सबसे पहला करते हो बेटी को शादी करवाओ, इसलिए ये बेटी को मैं बहुत दिन से इसके लिए मैंने उपयुक्त पति ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कोई पति नहीं मिल रहे थे उपयुक्त। तब कृष्ण ने कहा पितामह भीष्मा तो आकुमार ब्रह्मचारी हो, आकुमार आप तो ब्रह्मचारी ना, उन्होंने प्रतिज्ञा किया मैं कभी शादी नहीं करूँगा, फिर आपका बेटी कहाँ से आ गई। बोले प्रभु इति मति, मेरी जो मन है जो मति है यही मेरी बेटी है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त हमने पति ढूंढा। मतलब क्या है, ये मन को हम किसके चरण में ये मन को दे, लेकिन इसका उपयुक्त पति अभी तक मेरे को मिले ही नहीं, बड़े दिनों के बाद में आज हमें उपयुक्त पति कौन मिले, बोले कृष्ण मिले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ अपना बेटी को मतलब अपना मन को मैं आपका साथ में शादी करा दे, ये मन को आपको शादी करा दे। बोले आपका बेटी कैसे, ऐसे नहीं घर में आकर बैठी बैठ कर खाएगी, कोई काम धाम करेगी नहीं, हैं 4-5 किलो दूध पी लेगी और कोई काम करेगी नहीं, अरे निठल होकर बैठेगी नहीं। बोले नहीं प्रभु जी, मेरी जो मति है ना इति मति रूप कल्पित वितृष्णा, वितृष्णा मतलब होता है संपूर्ण रूप से ये माया से, ये जो मन है संपूर्ण माया से पर है, ये मन हमारी शुद्ध है, ये सेवा करने वाली खूब पति को सेवा करेगी, पति उठने से पहले उठेगी, उठकर घर का साफ सुथरा करेगी, पति की सेवा करेगी, इसलिए आपकी खूब सेवा करने वाली ये मेरी बेटी है, इसलिए आप कृपा करके ये बेटी को आप कृपा करके ग्रहण करो। कहते भगवती सात्वत पुंगम विभूमनी, तो देखो ये विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टीका दिया, अगर इसको सही सही तुम लोग लिखना चाहते हो ना वो टीका से बहुत अच्छी अच्छी बात बताए। तो उन्होंने बताए तो भगवान कहते हैं अपना मन को जो देना चाहते हो, भैया हमने सुना नारायण ही आदि पुरुष है, नारायण का नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए, नारायण ही आदि पुरुष है, इसलिए अपना मन को क्या करो तुम
नारायण को दे दो। बोले नहीं, नारायण को नहीं देना चाहता। बोले किसको देना चाहता हूँ? बोले भगवती सातो तो पुंगो मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं कृष्ण को देना चाहता हूँ। बोले ये कृष्ण कौन है? बोले ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो आप हो, ये पूर्ण ब्रह्म केवल आप ही हो। ये जो नारायण है ये तो आपकी अंश के अंश के अंश ही है नारायण। ये नारायण का जो आदि कौन हो आप? ये नारायण की आप आदि हो, इसलिए हे प्रभु ये मन को मैं आपको देना चाहता हूँ, ये मन को अब मैं किसी को देना नहीं चाहता हूँ। बोले कारण है जो नारायण की जो भक्ति हो ऐश्वर्य मार्ग की भक्ति है, लेकिन कृष्ण का जो भक्ति, जैसे आप भगवान, लेकिन भगवान होते हुए भी आप पांडवों का जो प्रेम में आप संपूर्ण वशीभूत हो, ये पांडवों का प्रेम में, भक्त प्रेम में आप संपूर्ण वशीभूत हो। हम ऐसे व्यक्ति को भक्ति करना चाहता, मन देना चाहता हूँ जिनके अंदर भक्त वात्सल्यता हो और भक्तों का प्रेम में जो संपूर्ण वशीभूत हो, उनको मैं अपना मन को देना चाहता हूँ उनको। तो उसको बाद में कहते हैं, कहते त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, इस श्लोक को याद करना। बोले त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौरव बराम्बरम दधाने बपोर अलक कुलाल वृतान नाब्जम विजय सखिरति मस्तु में अनमत्या। बोले हे प्रभु, हाँ कहते जो मति है किसको देना चाहता हूँ? बोले त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम है। कहते त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब भूर्भुव स्वर्ग, ये त्रिभुवन है ये भी। और त्रिभुवन क्या? बोले वैकुंठ, अयोध्या और वृंदावन, त्रिभुवन बा द्वारका, मथुरा बा वृंदावन है, ये त्रिभुवन में, सारे त्रिभुवन में हैं। बोले कमलम तमाल वर्णम, कहते कमलम मतलब होता है सुंदर। भगवान का शरीर कैसे? बोले तमाल वर्णम, इनका जो शरीर का रंग कैसे है? श्याम, तमाल वर्ण श्याम रंग है। इसलिए इसका व्याख्या तो बहुत बहुत कुछ शास्त्र में, कृष्ण का रंग ये घना श्याम रंग क्यों है, कारण क्या है? कहते बहुत सारे रंग मिलाओ, अलग अलग रंग दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़ा काला रंग मिला दो ना, देखना उस सारे रंग को अपना लेता है। इसलिए कहते काले कमरिया के ऊपर में चढ़े ना दूजे रंग, उसके ऊपर कोई रंग ही नहीं चढ़ता है। काला मतलब होता है कोलतार जैसे नहीं है, वो श्याम रंग है। और कृष्ण मतलब होता है सुंदर भी, कृष्ण मतलब होता है सुंदर। और पहले आप सुन रहे थे ना, ब्रह्मा कहते हैं भगवान का रूप को जब उन्होंने श्याम रंग को साथ में उदाहरण देते हैं, क्यों याद है? किस लिए देते हैं? किसको याद है? किस लिए उन्होंने कृष्ण के रंग को ब्रह्मा कहते नौ मिडत अभ्र बपु से क्यों उदाहरण दिया अभ्र बपु से? क्योंकि इस प्रकार, हाँ बोलो, इस प्रकार जल से घनीभूत होते हैं, हाँ इसलिए कहते जल का एक नाम करुणा कृपा, जैसे पानी पियो ना तृप्ति हो जाते हैं, इसलिए पानी का एक नाम होता है कृपा व करुणा। इसलिए कहते मैं कब बनता है, जब बादल जब घनाभूत घनीभूत हो जाता है तभी वो बादल बनता है। मतलब कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण करुणा सिंधो, कृष्ण दया की सागर है। इसलिए कहते बोले त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, बोले रवि कर गौरव बराम दधाने, भगवान के वस्त्र कैसे, जैसे सूर्य का किरण पड़ने पर जैसे चमचमाते हैं, कहते कृष्ण का जो वस्त्र है रवि कर गौरव, रवि मतलब होता है सूर्य, उसका जो किरण है हैं जैसे पड़ने पर चमकाते हैं, इस तरह कृष्ण तो सुंदर है जैसे उसके अंदर मतलब बिजली जैसे चमकने पर जैसे मेघ का शोभा बढ़ता है, उसी तरह कृष्ण का जो वस्त्र है ऐसे चमचमाते हुए और भी शोभायमान होते हैं। इसलिए कहते प्रभु विजय सखे रति मस्त में अनवद्य, बोले अनवद्य मतलब मेरा जो मन है निष्काम हो करके सब समय के लिए किसका प्रति प्रीति हो? बोले विजय सखे, विजय सखे मतलब विजय, अर्जुन का एक नाम विजय है, बोले अर्जुन का जो सखा है उनकी प्रति हमारी विशेष पूर्वक उनकी प्रति हमारी प्रेम हो। बोले उनका प्रति किस लिए इतना प्रेम हो, क्यों उनका प्रति मांगते हो प्रेम? हाँ देखो यहाँ पर बहुत बहुत सारे उदाहरण देते हैं। बोले कारण है
जो अर्जुन का प्रेम में जो संपूर्ण बसीभूत है, ऐसे कृष्ण का चरण में हमारी प्रेम हो। बोले कारण क्या? बोले कारण है उन्होंने अर्जुन के लिए उन्होंने क्या नहीं किया पांडवों के लिए। अगर शांति दूध बन करके कौन जाते हैं? कृष्ण जाते हैं। ये दूध का काम कौन करता है बताओ? दूध का काम कौन करता है? साधारण व्यक्ति दूध का काम करते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं शांति दूध बन करके अर्जुन के लिए स्वयं शांति दूध बन करके जाते हैं। फिर जिस समय एक समय जो महाभारत युद्ध हो रहा था, युद्ध होते होते एक दिन दुर्योधन ने आकर के भीष्म को इतने खारी खोटी बात सुनाई, बोले अगर हमको पहले से पता चलता पांडवों को मारोगे नहीं, अब हम सेनापति पद में नियुक्त नहीं करते। अब देख रहे हो, देखते देखते अर्जुन कितने सैनियों को मार रहे और भीमसेन कितने हमारे भैया को मार डाले, और आपने किया प्रतिज्ञा किया पांडवों को मारेंगे नहीं, इसलिए हम बेकार आपको सेनापति। उन्हें खूब खारी खोटी उन्होंने सुनाई। इतने में भीष्म को तो ताव आ गया, बोले ठीक है चिंता नहीं, कल पांडवों को मैं समाप्त कर दूंगा। इसलिए उन्होंने उनके लिए 5 बाण बनाए। बोले 5 बाण बस खत्म हो जाएंगे, पांडव के लिए खत्म हो जाएंगे। उन्होंने 5 बाण बनाए, लेकिन कृष्ण को सारी बात पता है। हैं, अभी सारा दिन युद्ध हुआ, युद्ध करते करते अभी सबके सब सो रहे हैं, तो सवेरे उठकर फिर युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन सबके सब तो सो रहे हैं, लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आ रही। कृष्ण इधर से उधर, उधर से उधर प्लानिंग बना रहे। कृष्ण प्लानिंग बना रहे हैं कैसे ये पांडवों को रक्षा कैसे करें। इतने में प्लानिंग बनाते बनाते इतने में कृष्ण आए और अर्जुन को उठाया। बोला अर्जुन उठो, उठो अर्जुन, सोने का समय नहीं। अर्जुन कह रहे क्यों विरक्त कर रहे हो, दिन भर युद्ध करते करते परेशानी हो गया, फिर सवेरे युद्ध करना पड़ेगा, मेरे क्यों परेशानी कर रहे हो? बोले तुमको पता है? बोले क्या है? बोले पितामह भीष्म 5 बाण बनाया तुमको मारने के लिए। बोले अच्छी बात है, कल हम मर जाएंगे, न्यूज पेपर का हेडिंग में आएगा कृष्ण का 5 भक्त थे मर गए। बोले यही तो चिंता है। देखो यहाँ पर कहते जिन जिन्हें बाल कर राखे भावेर भोरे, कहते अपना पोषण को हम चिंता नहीं करेंगे, हर समय क्या करेंगे, ठाकुर को सेवा करेंगे, ठाकुर जी को भक्ति उनकी पूजा सेवा करेंगे। बोले उसी समय में तुमने गंधर्व से छुड़ाया था दुर्योधन को। बोले हाँ। बोले उसी समय दुर्योधन ने कहा था तेरे को वर देने के लिए। बोले हाँ याद है। बोले अभी जाओ, हाँ तुमने कहा समय आने पर मांग लूंगा, अभी समय, अभी जाकर उनसे वर मांगो। बोले क्या? बोले केवल उसका वस्त्र लेकर के आ जाओ, ड्रेस लेकर के आ जाओ, फिर उसके बाद में सारे काम हो जाएगी। फिर उन्होंने कहे उनका केवल ड्रेस मांग करके ले आए हैं। बोले ये ड्रेस पहन करके जाओ, और पितामह भीष्म अभी सवेरे सवेरे भजन कर रहे हैं, और उनको जा करके दुर्योधन की गला की टोन से हैं वो वस्त्र जो पहने का लगेगा, जिसे दुर्योधन है, इसलिए वस्त्र को पहन करके जाओ और उनको बोलो आप क्यों पितामह हो करके उनको मारेंगे, बदनामी होगा, अपना पोते नाती पोते को मार डाले, इसलिए ये 5 अस्त्र मुझे ही दे दो, मैं ही मार दूंगा, बस इसको ले आप, काम हो जाएगा। अर्जुन गया उसको पहन करके एकदम सवेरे सवेरे अंधकार में। बोले पितामह जी दुर्योधन का टोन बदला करके बोले 5 बार मुझे दे दो। बोले मैं तो यही सोच रहा था मैं कैसे पांडवों को मारूं, मैंने प्रतिज्ञा की ले तू लेकर के 5 बाण से मार लेना। बाद अर्जुन ले आए 5 बाणों को। थोड़ी देर बाद में दुर्योधन आया। दुर्योधन आया तो पितामह भीष्म ने कहा तुमने बढ़िया काम किया, हाँ मेरे ऊपर बदनामी होता तुमने ये 5 बाण को ले लिया। बोले कौन सा 5 बाण है? बोले तू अभी अभी आया था ना। लो इसीलिए अर्जुन मेरा ड्रेस मांग करके ले आया और 5 बाण को ले लिया। इसलिए यहाँ पर कहते प्रभु मेरी जो प्रीति है किसकी प्रति हो? विजय सखे। बोले अर्जुन का जो सखा कृष्ण है उनकी प्रति हमारी प्रीति हो। बोले क्यों? कृष्ण जैसे पांडव को जैसे अर्जुन को जैसे रक्षा किया प्रभु, इसलिए ऐसे हम प्रेम चाहते हैं, इसलिए उनका प्रति हमारी प्रेम हो। फिर क्या हुआ? फिर हम कल सुनेंगे। उसके बाद में 2-3 श्लोक है जो पितामह भीष्म की बहुत बढ़िया बढ़िया स्तुति उन्होंने किया, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताया, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात। ठीक है, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। हाँ हरे कृष्ण। हाँ कल का क्लास कौन सुनाएगा? सुनाओ क्या सुना?